सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस तरह से फिश बॉल को, वैसे नॉर्मली लोग फिश बॉल के अंदर में यहाँ पे कुछ कलर स्टोन डाल के रख देते हैं और फिशेस डाल देते हैं, बट मुझे उतना फिश बॉल वैसे देखना शायद पसंद नहीं है। इसलिए आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इस फिश बॉल को, जैसे आपको पता है काफी तो बड़ा फिश बॉल है, मेरे हिसाब से कंपेयर करो तो बड़ा फिश बॉल है। ये 12 इंचेस या 13 इंचेस का फिश बॉल है, इसको हम 13 या 12 इंच का फिश बॉल, इतना बड़ा फिश बॉल है। और इसको आज हम सेटअप करने वाले हैं, इसको यहाँ रखते हैं, आज इसको हम सेटअप करने वाले हैं। और इसको हम प्लांटेड फिश बॉल बोल सकते हो, एक छोटा सा इकोसिस्टम या प्लांटेड फिश बॉल सेट करने वाले हैं। अपने कोई भी जितना भी मैंने फिश बॉल सेटअप किए तो उसमें मैंने कोई भी मतलब फिल्टर यूज़ नहीं किया था, बट इस बार यहाँ पे एक छोटा सा फिल्टर आपको दिख रहा होगा, देखो एक छोटा सा फिल्टर है। आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस फिल्टर का भी यूज़ किया जाए, मतलब हाँ मेरे मन में है चलो एक प्लांटेड बॉल में फिल्टर भी देखते कैसा लगता है, अच्छा लगता है नहीं लगता पता नहीं, देखता ट्राई करना तो जरूरी है। सो आज हम करने वाले हैं इस फिश बॉल का सेटअप, हाँ फोकस करो यहाँ पे, इसका करने वाले हैं आज हम सेटअप। तो फटाफट से थोड़ा सा उजाला करो मैं अच्छे, वो देखो। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। आप देखने वाले कि प्लांटेड फिश बॉल से सेटअप किया जाता है, काफ़ी कमाल का सेटअप करेंगे, छोटा सा वीडियो होगा, काफ़ी मज़ेदार होगा। और हाँ, आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, थोड़ा सा सपोर्ट करो यार। इतनी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ, इतना सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपके इस वीडियो में देता हूँ, इस इन्फॉर्मेशन को देने के लिए और इस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, एक नए आइडिया लाने के लिए, कुछ आपको नया दिखाने के लिए मैं ट्राई करता रहता हूँ। तो यार मेरी मेहनत के लिए एक लाइक करना तो यार आपको भी जरूर से बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट से, और भी सेटअप बनाएंगे, ठीक है चलो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। बॉले यहाँ पे हमने रखा है अभी के लिए टेम्परेरी यहाँ पे, बाद में हम उसको इधर साइड शिफ्ट करने वाले हैं दूसरे घर में ले आके, तो अभी उसको यहाँ पे ही बनाएंगे, बाद में वहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो ये एक मैंने मोटा सा थर्माकोल लिया है जिसपे इसका रख सकूँ ताकि ये थोड़ा इस ख़राब ना हो, गिरे ना। फिल्टर प्लांट से जो हम यूज़ करने वाले, हाँ अभी आप सोच रहे होंगे इसमें जो फिश थी या प्लांट्स थे वो कहाँ थे, यहाँ के जो प्लांट्स थे वो इस वाले में मैंने स्टोर कर रखे, देखो ये सारे प्लांट्स मैंने यहाँ स्टोर कर रखे। और जो फिश था उसको मैंने यहाँ से कनेक्शन दे के यहाँ पे एक एयर स्टोन डाल के यहाँ रखा है, देखो इस ट्यूब के अंदर में ही मेरा क्वारंटाइन टब है, इसके अंदर में वो फिशेज को मैंने वहाँ पे रखा है ताकि वो फिश आराम से रहे जब तक हमारा सेटअप हो ना जाए। काफ़ी लोग क्या कहते हैं सेटअप करना शुरू कर देते हैं और वो मच्छी को रखना भूल जाते हैं तो मच्छी मर जाती है, तो ऐसा मत करो, ठीक है सब कुछ रेडी है। कभी भी सेटअप शुरू करने से पहले हर चीज़ प्रिपरेशन पहले से करके रखो, बाद में ढूंढने जाना नहीं क्या लगने वाला है, सब कुछ रेडी रखो। हमको सॉइल लगने वाला है, मैंने यहाँ पे को थोड़ा लाइट जला था आपको दिखा अच्छे से, ये देखो हमें यहाँ पे सॉइल लगने वाला है, ये मिट्टी है, गार्डन सॉइल है, मैंने वो भी रखी है, कुछ स्टोन्स रखे हैं, कुछ अलग टाइप के स्टोन्स रखे हैं, कुछ छोटे स्टोन्स रखे हैं और कुछ माइक्रोस मतलब छोटे छोटे स्टोन रखे जो नीचे में हमारे मीडिया का काम करेंगे। और यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन सैंड रखी है येलोली, उसके साथ में क्या क्या चीज़ लगती है प्रिपरेशन के लिए मैंने यहाँ पे सब चीज़ें रेडी रखी है, हमारे डीप फ्रूट्स भी रेडी है और पूरा सेटअप के लिए मैंने यहाँ पे जो भी चीज़ें मुझे चाहिए यूज़ करता हूँ सब चीज़ें रेडी रखी है। तो कभी भी आप कोई भी नया सेटअप बनाओ, एक्वेरियम बनाओ, कोई भी डिज़ाइन बनाओ, उसके लिए पहले से ही सब प्रिपरेशन करके रखो इस तरह से, फिर बाद में ढूंढने नहीं जाना इसको बनाते टाइम कि चलो बाद में ढूंढने चले, नहीं पहले से प्रिपरेशन सब कुछ करके रखो, ठीक है। तो चलो फटाफट से मैंने आपको सबको दिखा दिया, चलो फटाफट से स्केप शुरू करते हैं। तो चलो अब अपना स्केप बनाना इसमें शुरू करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले मैं नीचे में एक चीज़ जो हमेशा करता हूँ और आप लोग भी वही सजेस्ट करता हूँ, नीचे में थोड़ा सा हम ये डालेंगे, ये कांच बहुत ही पतला है तो बहुत ही आराम आराम से तरह से डालो, नहीं तो ये टूट सकता है। नीचे में मुझे छोटे छोटे टेबल चाहिए, बस मैं छोटे छोटे डाल दो। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको नीचे क्यों डाला है, तो बस एक रीज़न की वजह से मैंने इसको नीचे में स्प्रेड किया है, वो रीज़न ये है कि हम और सन के जगह पर यूज़ कर रहा हूँ मैं, और ये क्या करेगा रूट्स को अच्छे से पकड़ रखेगा, जो रूट्स होते हैं ना उसके जो जड़ें जो नीचे जाती है वो ये पत्थरों में अच्छे से पकड़ रखेंगे, टाइटली पकड़ेगा और उठेगा नहीं प्लांट, तो अच्छे से प्लांटिंग भी हो पाएंगे और प्लांट अच्छे से ग्रो भी करेंगे, ठीक है। अभी इसमें सॉइल ऐड करते हैं, ये मेरी गार्डन सॉइल है, मैंने काफ़ी वीडियो में बताया गार्डन सॉइल किस तरह से प्रिपेयर की जाती है, बनाई जाती है। मैं पूरा एक वाटी यूज़ करने वाला हूँ, यहाँ पर इस तरह से डाल दूँ, बस छोड़ डाल दिए।
एक छोटे सी पिन की मदद से पहले मैं इसको अच्छे से फोड़ लूँगा और स्प्रेड इट कर लूँगा मुझे जहाँ जहाँ चाहिए। सॉइल को मैं थोड़ा पीछे ही रखूँगा क्योंकि मुझे सामने में उतना सॉइल नहीं चाहिए। अब ब्रश की मदद से ये सामने में जितना भी ये कुछ आया है यहाँ से सबको क्लीन कर लेंगे। मुझे सामने में कुछ नहीं चाहिए, मैं सब क्लीन रख रहा हूँ। इस तरह से मैं सब कुछ क्लीन रख रहा हूँ। सो अभी हम सॉइल यहाँ पे देख सकते हैं, हमने सॉइल डाल दिए। अब इसको यहाँ पे लेवल करेंगे, इसको यहाँ पे अच्छी तरह से लेवल कर लेंगे ताकि जो भी हमारा नीचे में जो सॉइल है वो अच्छे से इसमें ग्रो हो जाए। सामने की तरफ मुझे उतना नहीं चाहिए तो मैं सॉइल को पीछे की तरफ में ज़्यादा तरफ हुआ, सामने की तरफ में कम। इस तरह से मुझे लग रहा है थोड़ा सा सॉइल कम है तो मैं थोड़ा सा सॉइल इसमें और डालूंगा। बस मुझे लग रहा है इतना काफी हो जाएगा। सो एक जब भी आप फिश बॉल बनाते हो या कुछ भी प्लांटेड बॉल बनाते हो तो जैसे मेरे यहाँ पे दो स्टोन से, एक ऐसे टाइप के स्टोन से और एक ऐसे टाइप के स्टोन से, तो मेरा मन कर रहा है इस बार मैं ऐसे स्टोन का यूज करूँ। ये जो दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, इसको शायद सरियो स्टोन बोलते होंगे या फिर पता नहीं कौन सा स्टोन है, मैं देख के बताता हूँ। सो मैं सोच रहा हूँ कि इस बार इस स्टोन का यूज किया करूँ। सो मैं सोच रहा हूँ कुछ इस बार इस स्टोन का यूज करूँ जिसका टेक्सचर काफी मस्त सा है। चलो देखते हैं कैसा दिखता है। यहाँ पे कुछ डीप फ्रूट रख के देखना चाहता हूँ कि डीप फ्रूट हमारे यहाँ पे कैसा लग रहे हैं। पीस है, देखो यहाँ पे कितना बड़ा वाला वुड पीस मेरे पास में है। सो मैं सोच रहा हूँ फिलहाल अभी इसका यूज करने के लिए, देखो कितना बड़ा सा वुड पीस है, देखो। सो मेरे पास देख सकते कितना बड़ा सा ये वुड पीस है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको यूज करके देखो इसमें कैसा लगता है, देखते। सो आई थिंक ये काफी मस्त सा दिख रहा है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। सो आई थिंक ये काफी मस्त सा मुझे लग रहा है, थोड़ा सा ये बाहर जा रहा है, हम इसमें मनी प्लांट लगा सकते हैं, कुछ और भी प्लांट लगा सकते हैं और ये काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। तो आई हैव सेलेक्ट दिस वुड, ऐसा ही रहेगा। अब स्टोन्स की बारी, दूसरी बात क्या है कि ये टाइट भी हो गया, देखो ये हिलेगा भी नहीं, पानी वाने पर उठेगा भी नहीं क्योंकि दोनों साइड में टाइटली हुआ है, तो हमको उसको चिपकाने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप कोई ऐसा वुड यूज कर रहे हो जो इसके अंदर रहने वाला है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये वुड कुछ इस टाइप, अगर आप वुड यूज कर रहे हो कुछ इस तरह से वुड यूज करना जो उसके अंदर रहने वाले, तो प्लीज इसको चिपकाओ नहीं तो ये पानी में फ्लोट मारेगा। पत्ते काफी कमाल दिख रहा है, ये देखो कितना कमाल का हमारा फिश बॉल दिख रहा है। इस वुड पीस ने तो इस पीस में जान ला दी, शॉन जॉन शॉन। इस फिल्टर को भी फिट करना है तो मैं सोच रहा हूँ फिल्टर को मैं कुछ उस साइड में प्लेस कर दूँ, कुछ इस साइड में, देखते कहाँ प्लेस होता है। इसको भी लगाते हैं इसमें देख के फिल्टर को। चलो इससे इसके बाद सब थोड़ा पानी स्प्रे मारेंगे, थोड़ा तो गीला करेंगे क्योंकि मैं इसे थोड़ा प्लांटिंग करनी है। पानी आप आराम से भरो, टाइम लेके भरो ताकि जितना भी नीचे पानी डाल रही हो वो पानी फिर आराम आराम से पानी डालो ताकि नीचे में चीजें डिस्टर्बेंस ना हो। फिल्टर है, अब हम स्पंज फिल्टर को इसमें ऐड करते हैं और इस साइड में प्लेस करते हैं। पहले स्पंज फिल्टर लगाना कोई ज्यादा रॉकेट साइंस का काम नहीं है, ये पीप रहता है इसमें से ऐसा निकाल लो, यहाँ से ऐसा इसको निकाले, इसको इसमें यहाँ पे हमको फिट करना रहता है, तो इसके लिए हमको ये नोजल जॉब नहीं है।
हमें इस नोजल की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नोजल डायरेक्टली यहाँ फिट हो जाता है इसमें। यहाँ पे चीज फिट करेंगे उसके बाद में हम इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ये हमको थोड़ा सा प्लांटिंग कर लेना चाहिए, बाद में फिल्टर ऐड करना चाहिए, तो मैं पहले प्लांटिंग कर लेता हूँ। प्लांटिंग के लिए सबसे पहले मैं प्लांट प्रिपेयर कर लेता हूँ। सो वी आर डन। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इस ट्री में सारे प्लांट प्रिपेयर कर लिए हैं। ये सारे प्लांट के नाम मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां जाकर आराम से देख लेना। प्लांट प्रिपरेशन हो चुका है, कौन से प्लांट कहाँ प्लेस करने हैं। लॉन्ग प्लांट को मैं सबसे पीछे प्लेस करने वाला हूँ, छोटे प्लांट को मैं सामने प्लेस करने वाला हूँ। फटाफट से प्लांटिंग शुरू करते हैं। इसमें एक फूल है जैसे ये देख सकते हैं, इसको पिनसेट बोलते हैं। देखो इसको बोलते हैं पिनसेट, इसी से हम प्लांटिंग करने वाले हैं। सो सबसे पहले मेरा फेवरेट प्लांट वैलेंसनेरिया प्लांट, वैलेंसनेरिया। तो इसको हम कुछ इस तरह से पकड़ेंगे। मैंने काफी बार बताया प्लांट ऐसे नहीं ऐसे किया करो, ताकि ये जो रूट से अच्छे से ग्रो हो सके। तो इसको मैं सबसे पीछे प्लेस करने वाला हूँ, तो उसको यहाँ लेके जाएंगे। यहाँ जो आज प्लांट आज पास से देख लो प्लांट किस तरह से किया जाता है। सो इसको इस तरह से पकड़ेंगे, यहाँ इस तरह हम बस लेके जाएंगे, इसको यहाँ पकड़ के इस मिट्टी में अंदर दबा के पिन सेट को आराम से बाहर निकाल लेंगे। सो ये हमारा प्लांट देख सकते हैं लग गया है। इसी तरह से सारी प्लांटिंग करके, तो चलो फटाफट से मैं सारी प्लांटिंग कर लें। सो वी आर हियर, देख सकते हैं प्लांटिंग मैंने सारी कर दी है। बस इसमें अब फिश बॉल को मुझे फिल्टर सेट करना है, और यहाँ पे देख सकते थोड़ा पानी क्लाउड में, फिर से पानी डाउन करेंगे और फुल करके फिल्टर सेट करेंगे। ठीक है, फिर आपको मिलता हूँ मैं। देख सकते हैं हमारा फिश बॉल प्लांटेड फिश बॉल रेडी हो चुका है। एक मनी प्लांट यहाँ पे ऐड करते हैं दोनों साइड में, शायद यहाँ पे मनी प्लांट ऐड करते हैं, इसको रहने देते हैं। ये अच्छा ऐसे अच्छा दिख रहा है मेरे को। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो देखो किस तरह से हमारा फिश बॉल रेडी हो चुका है। ये प्लांट्स फिश बॉल रेडी। फिल्टर ऐड करना है पानी, पहले से क्लिस्टर क्लियर है क्योंकि हमने पानी अच्छे से भरा है। इसको एक्लिमेटाइज करेंगे और मैं वहाँ पर जब शिफ्ट करूँगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे दिख रहा है। तो चलो मिलते हैं तब।